आज हम लोग बात करेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। इनका पूरा नाम क्या है? भीमराव रामजी अंबेडकर, अन्य नाम से भी इनको जानते हैं, जैसे बाबा साहब अंबेडकर भी इनको कहते हैं। जन्म के समय अर्थात जन्म के बाद बचपन में इनका क्या नाम था? भीवा, भीम, भीमराव इत्यादि नाम से इन्हें बुलाया जाता था। हुआ था जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 हुआ था। जन्म स्थान इनका महू, जो मध्य प्रदेश में है, ब्रिटिश शासन काल की बात कर रहा है, महू जो मध्य प्रदेश में है। बाद में इसका नाम बदल करके डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया, जो मध्य प्रदेश में है। मृत्यु इनका 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। यहीं पे मृत्यु स्थल इनका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में जो है, वहाँ पर इनका मृत्यु स्थल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 65 वर्ष तक जीवित रहे। समाधि स्थल इनका कहाँ है? तो चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में जो है, वहाँ पे इनकी समाधि स्थल है। राजनीतिक दल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी से यह जुड़े रहे। सामाजिक संगठन की बात करेंगे तो बहिष्कृत क्लासेस एजुकेशन सोसाइटी, दी बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, टी पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इत्यादि सामाजिक संगठन से जुड़े रहे। धार्मिक जो संगठन था भारतीय बौद्ध महासभा था। इनकी पत्नी के नाम की बात करेंगे तो इनकी 2 शादी हुई थी। इनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था, जिनका विवाह 1906 में हुआ था और उनका निधन 1938 में हुआ था। दूसरी पत्नी का नाम डॉक्टर सविता अंबेडकर है, इनका जो विवाह 1948 में हुआ था और निधन इनकी दूसरी पत्नी का 2003 में हुआ था। सविता अंबेडकर जिन्हें माई या माई साहेब कहा जाता है, इनके बच्चे का नाम मतलब इनके बालक का नाम यशवंत अंबेडकर। शिक्षा इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीए, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी, एलएलडी किए थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी, डीएससी किए थे। ग्रेज इन अर्थात इनको बैरिस्टर एट ला, बैरिस्टर की उपाधि भी इन्होंने प्राप्त किया था। व्यवसाय के तौर पे वकील, प्रोफेसर, राजनीतिज्ञ, सभी क्षेत्र में निपुण थे। पेशा विधिवेता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद, दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, समाजशास्त्री, मानव विज्ञानी, धर्मशास्त्री, इतिहासविद, संपादक, प्रोफेसर, सभी रूप में इन्होंने काम किया। धर्म इनका बौद्ध धर्म से जुड़े थे। पुरस्कार की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 1956 में बोधि सत्य पुरस्कार से नवाजा गया। 1990 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम पुरस्कार से 2004 में सम्मानित किया गया। दी ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया गया।